हमारे घर में वाईफाई होता है, उसका मैक एड्रेस द्वारा पासवर्ड को कैसे सिक्योर किया जाता है? अजमेरा टेक की तरफ से आप सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारे घर या ऑफिस में लाइन द्वारा या फाइबर द्वारा नेट का कनेक्शन लिया हुआ होता है। पड़ोसी और ऑफिस में दोस्त या कर्मचारी हमसे वाईफाई के पासवर्ड रिक्वेस्ट करके ले लेते हैं, हम दे भी देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे नेट की स्पीड स्लो हो गई है, फिर हमें पता चलता है कि हमने पासवर्ड शेयर किए थे। फिर हम उस दोस्त या पड़ोसी से मोबाइल लेके पासवर्ड रिसेट कर लेते हैं या फिर अपने पासवर्ड ही चेंज कर लेते हैं। फिर एक बार नेट सेटिंग होने से नेटवर्क की सहायता से पासवर्ड डाल लेते हैं और फिर हमारे सिस्टम की जानकारी भी ले सकता है। कारण जहाँ तक हो सके हमारे वाईफाई के पासवर्ड को और से शेयर करने से पहले सोच लें, वह एक हैकर भी हो सकता है। इसे कैसे बंद करते हैं और इसकी क्या सेटिंग होती है, इसकी दो सेटिंग के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट सेटिंग बताऊंगा जिसमें आप अपने मॉडेम के पासवर्ड चेंज कर पाएंगे, ये पासवर्ड नहीं जान पाएगा। दूसरी सेटिंग बताऊंगा जिसमें तो पासवर्ड पता होते हुए भी आपके वाईफाई को शेयर नहीं कर पाएगा, कनेक्ट नहीं कर पाएगा। चलते हैं स्क्रीन की ओर। दोस्तों, जो हमारे पास वाईफाई है या राउटर है वह किस कंपनी का है उसी पर जाकर आपको सेटिंग करनी होती है। अपने राउटर को देख लेना है कि वह किस कंपनी का है। लगभग सभी राउटर की एक जैसी सेटिंग होती है, लेकिन तरीका कुछ डिफरेंट हो सकता है। मेरे पास टेंडा का राउटर है, इसलिए मैं आपको टेंडा पर जाकर सेटिंग करके बता रहा हूँ। जिस कंपनी का राउटर है, अगर आपको उसकी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड पता है तो आप उसे डाल सकते हैं। नहीं है तो गूगल पर जाकर टेंडा आईपी एड्रेस या टेंडा लॉगिन आईडी लिखकर सर्च करेंगे तो वह शो हो जाएगी। जब ऐसी स्क्रीन आ जाए तो सर्च में जाकर टाइप करके इंटर कर देना है। जैसे मैं 192.168.0.1 लिखता हूँ और इसे एंटर कर देता हूँ। टेंडा के लॉगिन वाले पेज पर आ गए हैं। टेंडा का लॉगिन आईडी इन पासवर्ड एडमिन ही आता है। यही एक मुख्य कारण है कि जब हम किसी को पासवर्ड शेयर करते हैं और हम पासवर्ड चेंज करने के बाद भी वह इस साइट पर जाकर लॉगिन आईडी इन पासवर्ड एडमिन टाइप करके इसे लॉगिन कर लेता है। फिर आपके पासवर्ड जान लेता है, अपने डिवाइस में वही पासवर्ड लगाकर वाईफाई को कनेक्ट कर लेता है। फिर आप जितनी बार भी वाईफाई पासवर्ड चेंज करते हैं तो उसे पता चल जाता है और फिर वह वही पासवर्ड टाइप करके वाईफाई को कनेक्ट कर लेता है। इस कारण ही वह हमारे सिस्टम को हैक करके जानकारी भी ले सकता है और वह हमारी लॉगिन आईडी में चेंज भी कर सकता है। तो वह पूरे अधिकार मिल जाते हैं जो अपने को मिल रखे होते हैं। इसे चेंज करने का फर्स्ट तरीका तो यह है, इसके पासवर्ड चेंज करने होते हैं, जिसके बाद वह इस आईडी पे लॉगिन करके अंदर नहीं पहुंच सकता। कई लोगों को पता नहीं होने की वजह से वह पासवर्ड चेंज नहीं कर पाते हैं। इसलिए फर्स्ट हमें यह करना है कि इसका पासवर्ड चेंज करना है। हमें पासवर्ड चेंज करना है तो इसे ओपन कर लेते हैं। मैंने पासवर्ड पहले ही चेंज कर रखे हैं, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए इसे ओपन कर रहा हूं। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप अपने नेट प्रोवाइडर से हेल्प नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। मैं इसमें पासवर्ड लगाकर इसे ओपन कर लेता हूं। नीचे आपको अपने वाईफाई के पासवर्ड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आप जान सकते हैं कि हमारे वाईफाई के पासवर्ड क्या है। इसे ओके कर देंगे। ऐसे स्क्रीन खुलने के बाद आपको इसमें टूल वाले ऑप्शन पर जाना है। इसमें बहुत सारी सेटिंग होती है, मैं सिर्फ वो यूज वाली सेटिंग ही बता रहा हूँ। चेंज पासवर्ड पे जाना है। अब इसमें जो पासवर्ड लॉगिन के टाइम लगाए हैं वही पासवर्ड डिफॉल्ट आते हैं, मतलब एडमिन, उसे डाल देना है। अगर आपने पासवर्ड चेंज कर रखे हैं तो आप वो पासवर्ड इसमें डाल दें और नीचे आप जिस तरह के पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो तो अपने हिसाब से लगा लें। पासवर्ड आपको ऐसे लगाने हैं जो आसानी से कोई पता नहीं कर सके। मैं इसमें पासवर्ड डालकर ओके कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पासवर्ड सेट हो जाएंगे। इससे यह होगा कि अगर हमने किसी से पासवर्ड शेयर कर दिया और उसे साइन आउट कर दिया तो जो पासवर्ड हमने लगाए हैं इसके कारण वह हमारी आईडी को खोल नहीं सकता और वह पासवर्ड भी नहीं जान सकता।
दूसरा तरीकों में बताने जा रहा हूँ। किसी को भी पासवर्ड पता होते हुए जब तक आप परमिशन नहीं देंगे तब तक वह वाईफाई को कनेक्ट नहीं कर पाए। इसे कैसे सेट करते हैं, इसके लिए आपको आईडी लॉगिन कर लेना है, वायरलेस वाले ऑप्शन पर जाना है। इसे ओपन होने के बाद एक्सेस कंट्रोल पर जाना है। इसमें आपको दिख जाएगी कि मैंने जिन जिन डिवाइस को वाईफाई से जोड़ रखा है उन सब का मैक एड्रेस यहाँ पर जोड़कर ऐड कर रखा है। अब सिर्फ इन्हीं डिवाइस में पासवर्ड होते हुए नेट चलेगा, बाकी में वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा। मैक एड्रेस के बारे में कैसे पता करते हैं कि पूरी डिटेल पिछले वाले वीडियो में दी गई है। आप अगर मैक एड्रेस के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले आपको मैक एड्रेस में जाकर यहाँ पर डिसेबल होता है इसे परमिट कर लेना है। उसके बाद जिस डिवाइस का मैक एड्रेस यहाँ पर लिखकर ऐड कर लें, उसके बाद जिस डिवाइस का मैक एड्रेस आप जोड़ना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं उस डिवाइस का मैक एड्रेस यहाँ पर लिखकर ऐड कर लें, फिर ओके कर दें। इस तरह आप जितने भी डिवाइस आपके पास अवेलेबल है उन सबका एक एक करके मैक एड्रेस जोड़कर ऐड कर लें और वह यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। तो आप समझ लेना कि आपका मैक एड्रेस ऐड हो गया है। मैक एड्रेस सही तरह से डालना है, कुछ गलती ना हो, और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, नहीं तो बाद में नहीं कहना कि ये काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको किसी तरह की समस्या आती है तो हमें कमेंट करें। अगर आपको वीडियो को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट जरूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।